अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो हम जा रहे हैं चश्मा घराट, और जिसके बारे में मशहूर है कि अगर आपको कोई भी पेट की बीमारी हो या आपका पेट फूल गया हो, ठीक है, तो बचपन की नादानियों की वजह से, बचपन की नादानी। ये दोस्त जो है मेरे, ये मेरे साथ जा रहे हैं, असल में इनका पेट बहुत फूला हुआ है। मैं आपको इनका पेट दिखा दूँ, मेरा पेट देखें, इनका पेट आप देखें, असल में नादानियों की वजह से। तो इनके पेट का मसला बना हुआ है, ठीक है, बचपन की नादानियाँ हैं, ठीक है, उसकी वजह से इसका पेट फूला हुआ है। हाँ, मैंने सुना ये है कि आपको पेट की कोई बीमारी हो, जैसे आपका पेट बाहर निकल आया हो, आपको गैस हो, बदहजमी हो, अच्छा, तो आप जाएं वो पानी शानी पिए, खारा पानी है। हाँ। तो वो खारा पानी जब आप पीते हैं तो उससे ना पहले 2-3 ग्लास पीते हुए आपको कुछ नहीं होता, हल्का हल्का आपका दिल जो है ना वॉमिटिंग की तरफ होता है, ठीक है, लेकिन जब आप 3-4 ग्लास पीते हैं ना, हाँ, तो आपके पेट में अजीब सी गुड़गुड़ शुरू होती है। सही, फिर तो ऐसे लगता है जैसे आपने जमाल गोटा खा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आप 4-5 ग्लास में ना आप इलाके को ग्लीज करना शुरू कर देते हो। आपको ग्लीज से मतलब क्या है आपका? ग्लीज से मेरे कहने का मतलब है कि आपको ना लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, कम से कम 3-4 घंटे मुसलसल पीते रहने। अच्छा, पीते रहने, आप पीते रहने, इंसान है आप? आप इंसान है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तौंद कम हो, आप स्लिम स्मार्ट नजर आए, आप यार आपकी तौंद देखा नहीं है मैंने, आप ये देखिए कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा आपका, अभी आप देखिए इनकी तौंद बहुत दिख रही है। पानी पीने आना नहीं था, मसला ये कि अब जहाँ मैं शादी करना चाह रहा हूँ, लड़की वालों ने शर्त रखी हुई है, पेट अंदर हो गया तो हम रिश्ता देंगे। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब ये बात सुने, आप पैदल हैं, ठीक है, जब आप उधर पानी पिएंगे और जब आपको लूज मोशन लगेंगे, तो आप वापस किस तरह आएंगे? अबे साले, और थोड़ा सा ना मैं इसलिए साथ लेके आऊं जूस। अच्छा, ये देखें ये जूस मेरा। अच्छा, ये लेके आए हैं। तो अब जो जी हम पहुंच गए हैं, वो हम रेलवे स्टेशन स्टेशन नहीं है, पटरी नजर, हाँ पटरी नजर आई, पटरी पे पहुँच गए, जो कि उसने कहा था कि 3 किलोमीटर। हाँ, वो दुकान वाले से हमने पूछा था जीटी रोड पे, वो कह रहा था कि 3 किलोमीटर आप चलोगे, ठीक है, आप चल के आए हैं, वैगन भी मिल जाएगी आपको, वैगन मिली नहीं है, पैदल ही चल के आए हैं। तो अभी हमें ये बताया है कि यहाँ से ना इस पटरी से, ठीक है, सामने रिक्शे तो खड़े हुए हैं, पहले वैगन नजर नहीं आई, रिक्शे खड़े हैं मगर बंदा नहीं खड़ा हुआ, ठीक है। पटरी देखे मुझे ना कोयला मूवी याद आ गई, ये रेलवे पटरी है, ठीक है। अभी कह रहे हैं कि 3.5 किलोमीटर जो है ना कोलो क्यों निकल रहा है, अगर मेरा पेट अंदर ना हुआ तो वापसी पे ना मैं इसी पटरी पे लेट जाऊंगा, क्योंकि फिर शादी तो होनी नहीं है। शादी तुम्हारी पेट की वजह से रुकी, पेट की वजह से मेरी शादी रुकी हुई है, कि वो लड़की वाले कह रहे हैं कि आप अपना पेट अंदर करो फिर रिश्ता देंगे। पेट मैं अंदर कर देता हूँ ना, तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं, नहीं वो अंदर नहीं करना, करवाना पेट अंदर, बताओ। 15 मिनट्स लेटर, क्योंकि हम जो नॉर्मली लोग, आपकी आवाज नहीं जा रही होगी गाली की वजह से, आपकी आवाज नहीं जा रही। मैं कह रहा हूँ कि हमारा सफर बहुत मजे का होने वाला है, नॉर्मली लोग वैगन पे, अपनी गाड़ी पे, बाइक पे सफर करते हैं, लेकिन आज पहली दफा हम ट्राली पे बैठे, और वो भी थोड़ी ट्राली के ऊपर जिसकी बारिश पड़ी है, तो सफर का मजा लेंगे। अब ये देखें सामने दिखाया, सफर बहुत अच्छा था भाई, बड़े कोऑपरेटिव थे। हाँ, भाई ने कोऑपरेट किया फिर। अरे कहना क्या चाहते हो? कोऑपरेट किया है, वो जो एज ए इंसानी हमदर्दी के तौर पे कोऑपरेट करते हैं वो किया। One eternity later. अच्छा, इधर भी तो फाइनली 3 घंटे की, और नहीं 3 किलोमीटर की मजीद मुसाफत के बाद हम पहुंच आए हैं। 3 किलोमीटर था एक्चुअली, ये 3 किलोमीटर नहीं था, ये तो 6-7 से ज्यादा था, क्योंकि हम मुसलसल 2 घंटे से चले आ रहे हैं, बीच में हमने थोड़ा तो टोटल कितना बन गया है? तो ये तकरीबन जहाँ जीटी रोड से अंदर ना, हाँ, 7 किलोमीटर का फासला ये बनता है, 7-8 किलोमीटर, और तकरीबन आज हमने सफर किया है 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर तो हम पैदल चले, 2 किलोमीटर आप रख लो ट्राली पे आए, 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर ट्राली पे आए। तो मजीद आपको हम बताते हैं पानी छानी किधर होता है, पीना किधर है, पानी अभी हमने ढूंढना है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं, पक्का पहुंच गए हैं, ठीक है, पहुंच गए हैं। नीचे मुकामी लोग खड़े हैं, उनसे हमने पूछा कि एक्चुअली ये मुसाफत कितनी बनती है, तो उनके बकौली 10 किलोमीटर का फासला है। अच्छा, जो हम तय करके यहाँ पे पहुंचे। हाँ, तो हमने उनसे पूछा कि आप पानी के बारे में बताएं हमें। हाँ, उन्होंने कहा कि पहले आपने ऊपर दरबार से हो गया, ठीक है,
तो अभी आप ये देख लें, ये दरबार से बना हुआ है माशाल्लाह, और तो कुछ नहीं आप कह सकते, लेकिन जगह बड़ी पुरसकून है। यहाँ पे आके आपको ना सुकून सा महसूस होगा। कहते हैं पहले आप इधर दुआ कर लें, ठीक है, फिर आप नीचे चले जाएं, बैठ जाते हैं। और अभी हम हाँ हम दुआ करते हैं फिर। इस जगह का ये सिनेरियो है कि इधर ना नमकियात ही नमकियात है, इतनी हर जगह आप देखेंगे ना कलर चेंज हुआ है, ठीक है। तो अगर आप मोस्टली देख लेंगे तो कलर वाइट ही वाइट है, आप उधर दूर दूर भी देख लें तो कलर वाइट ही वाइट है। क्यों? एक तो कुएं का पानी जो वो नमकीन है, और उसके बाद ये जगह ही नमकीन है इतनी। ये वो जगह है जहाँ से आपने पानी पीना है, और पानी जो आ रहा है वो यहाँ पे कुएं है, ठीक है, कुएं से पानी आ रहा है। 2 किलो पानी पीना मैंने, इसने 2 लीटर पानी पीना पहले राउंड के लिए। ये मेरा तीसरा ग्लास चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये है ना कि सबसे पहले आपने दुआ करनी है, दुआ करके फिर आपको वो बताते हैं, तरतीब बताते हैं कि आपने करना क्या है, किस तरह पानी पीना है, अगर लेके जाना है घर तो उसको किस तरह पीना है। तो उन्होंने वो तरतीब बताते हैं, फिर आपको यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी पड़ती हैं उसके लिए, ठीक है, जो आप पानी पियेंगे उसके साथ खाएँगे या पता नहीं इस तरह का कुछ। फिर जब आप पानी पी लेंगे, ठीक है, 2 लीटर जब आप पानी पी लेंगे, फिर उसके बाद आपको ना गुड़गुड़ शुरू होगी बकौले के। ये मेरा चौथा ग्लास है, तो इसका ये चौथा ग्लास है, इसको गुड़गुड़ अभी शुरू नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद फिर आप जाएंगे, ओपन माहौल है, ठीक है, जिधर आपने जाना है, ठीक है, इधर वॉशरूम्स ना नहीं बने हुए, आपने जाना है ओपन माहौल में, ठीक है, आपने पानी का यूज़ नहीं करना, आपने टिशू साथ लेके जाना है, ठीक है, मैं आपको ये सारी तरतीब बता रहा हूँ। टिशू लेके जाना है, फिर आपने पानी पीना है, मतलब कि इधर से आपने तकरीबन 4 to 5 लीटर पानी पी के जाना है। हाँ, 4 to 5 लीटर पानी पी के जाना है। इन्होंने अभी 4 ग्लास पिए तो इनका मुंह बन गया है, इनको महसूस होना शुरू हो गया। यहाँ से आपने पानी भरना है, ये पाइप जा रहा है, ठीक है, इस कुएँ के अंदर, ठीक है, यहाँ से पानी आ रहा है। उसके बाद ये पूरा माहौल बना हुआ है, ठीक है, ये सारा माहौल बना हुआ है, जिधर भी आपने जाना है, ठीक है, अपनी हाजत के लिए आप उधर जा सकते। क्या हुआ है यार? वो एक भाई गया था पानी पी के रफाजत के लिए, अभी तक वापस नहीं आया। मैं सोच रहा हूँ कि मैं चला गया तो फिर क्या होगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? कल्याण भाई, पेट तो तुम्हारा और निकल ही है। ये सर, मैंने जब 4 ग्लास पानी के पिए ना, तो उसके बाद मुझे ऐसा ना मेरा दिल कच्चा कच्चा हो रहा था। ये देखो इसका पेट और निकल आया है, अभी देखना ये जादू होगा, खत्म हो जाएगा। ये भाई साहब ने टिश्यू उठा लिया, ठीक है, किधर जा रहे हैं जी? टिश्यू उठा के मैं करवाई डाल के जल्दी जाओ, ठीक है, पहले ये पेट इनका देख रहे हो ना, ठीक, कम करने आए थे और बढ़ गया। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। 6-7 ग्लास पानी के पड़े हुए हैं, चले आप करवाई डाल हैं। तुमने साथ जाना? नहीं नहीं, मेहरबानी, जाओ जाओ, सीधा चलो ना। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो भाई एट लास्ट फारग हो गए हैं ये भाई साहब। क्या क्या बोला तूने? तो भाई एट लास्ट, नहीं पहले क्या बोला? फारग हो गए हैं ये भाई साहब। चल चल चलो। क्या महसूस किया है? मैं तो खुद को हल्का महसूस कर रहा हूँ। हल्का महसूस कर रहा हूँ एकदम से तो नहीं होता ना। हाँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि काम हो जाएगा। आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करते हो? आए आए जरूर आए आए टाइमली आए, पैदल ना आए, और पैदल बिल्कुल भी ना आए। हाँ, क्योंकि एडवेंचर का शौक होता है, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए। अब इंसान ही लाएंगे वापस यहाँ से पैदल। हाँ। तो 10 किलोमीटर चलना है अपने पैदल, आबादी है नहीं है। अल्लाह करे हमें लिफ्ट मिल जाए। बहरहाल अभी आज हम तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर चलेंगे, अभी मजीद चलना है हमने। हाँ, आपको बदहजमी हो, गैस हो, पेट की कोई भी बीमारी हो, आप यहाँ पे आए। हाँ, अपना पेट और मैदा साफ करें और कर लें। तो आज का जो हमारा टारगेट था वो था कि चश्मा ग्राट पे आना, ठीक है, पानी पीना था, वो हमने अचीव कर लिया। इस भाई साहब ने पानी पिया और उसका ये थोड़ा सा टिश्यू बच गया है, ये आपके सामने है। ऐसे तो नहीं होता है, पेट मेरे नज़दीक पेट उसी तरह ही है, ठीक है। बाहर अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह बेहतर जानता है कि बाद में होना है या नहीं होना, ठीक है, वो तो अल्लाह ही जानता है। इसका नहीं नहीं, मैं इसका मैं, पेट। मैं ये कहूँगा कि काम हो रहा है, मुझे जिस तरह के मोशन हुए ना उसके बाद मुझे लगता है कि काम हो गया है। तो बस यही था हमारा आज का, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।